हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कच्चे आम की कैंडी बनाना सिखाऊंगी। ये मैं कच्चा आम ले ली हूँ, दो आम है। अब इसे मैं कट करके छील लूँगी। इसका छिलका अच्छे से उतार लेंगे। कट कर ली हूँ। अब दो गुठली अलग हो गई है, इसे हम निकाल देंगे। और आम का हल्का पीला कलर हो गया है, कच्चा है लेकिन देखने में लग रहा है कि पक गया है और बहुत खट्टा है। अब इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। मिक्सर का जार ले ली हूँ। अब मैं इसमें डाल के इसको पीस दूंगी अच्छे से। इसे हम पीस के आपको दिखाते हैं। आम को मैं अच्छे से पीस ली हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पीस के रेडी हो गया है। चलिए हम बनाते हैं। इस पे मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ। अब मैं आम के सारे बैटर को इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी। इसमें हम कुछ नहीं डाले हैं, तो सादा आम है बस। आम थोड़ा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी। जितना आम है आप उसी हिसाब से आप चीनी डालिएगा। 250 ग्राम तक चीनी है। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा, ये ऑरेंज कलर है, हल्का थोड़ा ऑरेंज है, इसलिए हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, ऑरेंज कलर। और अगर ग्रीन रहता, एकदम आम कच्चा रहता, तो हम ग्रीन कलर ऐड करते हैं। तो आपको अगर डालना होगा तो डाल सकते हैं, अगर स्किप करना होगा तो स्किप कर सकते हैं। फूड कलर डालने से थोड़ा सा कलर अलग हो जाता है, अच्छा लगता है देखने में। इसे अच्छे से हम चलाएंगे। इसमें का पानी एकदम अच्छे से, जो आम में पानी रहता है वो सूख जाए। और ऐसे करने पे कढ़ाई छोड़ने लगे, आप देख सकते हैं कढ़ाई में से छोड़ने लगा है, तो समझ लीजिए कि ये पक गया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर दिए हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। कढ़ाई को मैं गैस से नीचे उतार ली हूँ। नीचे भी हम ऐसे इसको ठंडा करेंगे चलाते हुए। पानी ले ली हूँ मैं। अब इसमें हम तेल ले लिए हैं। तेल को हम अच्छे से पूरा फैला लेंगे थाली में, हाथ से ही लगा लेंगे अच्छे से। एकदम बढ़िया से तेल हम लगा लिए हैं इसमें। अब हम इसको थाली में ट्रांसफर कर देंगे अच्छे से। इसे हम अच्छे से फैला देंगे। अब इसे 1 से 2 घंटे तक पंखे के नीचे सुखा लेंगे। ये ठंडा हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। ठंडा हो गया है। आप इसे चाकू से काट के आप खा सकते हैं। इसे बच्चों को खिलाइए
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।